अभी आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल और अभी जाएंगे इसके अंदर शायद फोटोग्राफी शायद अलाउ नहीं रहता है, शायद देखते हैं अंदर जाके ही पता चलेगा। बाकी अगर सिर्फ गार्डन का अगर लीजिएगा आप टिकट तो आपको सिर्फ 20 रुपीज लगेगा, गार्डन प्लस म्यूजियम का लीजिएगा तो लगेगा आपको 30 रुपीज। तो चलिए दोनों ही लिए हैं, चलिए एंट्री करते हैं इसका अंदर और देखते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन में आ चुके हैं। ये गार्डन का कुछ ऐसा व्यू है देख सकते हैं, और काफ़ी मस्त देख सकते हैं, ग्रास वगैरह बहुत मस्त है। साथ साथ अभी देख सकते हैं सनसेट कुछ देर में अब होने वाला है, और देख सकते हैं टिकट है, हॉल का भी टिकट है, तो गैलरी के अंदर भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ देख सकते हैं कितना मस्त पेड़ वेड़ लगा हुआ है, तो सोचा इधर भी थोड़ा फोटेज वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद एक बार में ही अंदर जाएंगे। ठीक बुद्धि लगाई मम्मी, ये ला पानी भर दी। चलिए उधर आप, जैसे एंट्री है इधर से एंट्री है, आगे सब देख सकते हैं, इस साइड से एंट्री है, इधर से एंट्री करेंगे तो म्यूजियम के अंदर। इस साइड से एंट्री है, उस साइड से एग्जिट है, मतलब उस साइड से अंदर नहीं आ सकते, इस साइड से ही अंदर जाना होगा। इधर पीछे साइड जैसे द 42 बिल्डिंग है, जो सबसे ऊँचा बिल्डिंग है यहाँ का। बाबू रुक जाओ, एक साथ जाना है। बाकी मौसम देख सकते हैं कितना ही गजब का किया है। कैसा लगा बाबू यहाँ के, अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा, किसे झूठ बोलेगा? अच्छा लगा बाबू यहाँ के? बिंदास है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे कि नहीं बोल रहे। देख सकते हैं गैलरी के अंदर आ चुके हैं। ठीक ठीक है, बोलो बोलो। अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं अंदर में ऐसा कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारा पिक्चर वगैरह है, सारा डिटेल में दिया हुआ है सब के बारे में, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं पिक्चर वगैरह सारा दिया हुआ है, पिक्चर के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ भी हर के बारे में, देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है। केंद्रीय गोलघर की दीवारों को संभालते हुए भारतीय श्रमिक नंबर 1916 का ये फोटो है, देख सकते हैं, यानी कि ऐसा ही बहुत सारा फोटो यहाँ पे है, देख सकते हैं। म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, अब चलेंगे ना एक एक करके, पहले इस साइड देख लिए उसके बाद इस साइड चलते हैं। बाकी अंदर भी बोला गया है कि फोटो ले सकते हैं, वीडियो अलाउ नहीं है, देख सकते हैं आप बंदूक है। लाइटिंग बहुत अच्छा किया ना, इसलिए फोटो काफी अच्छा आ रहा है। चलिए इधर से ऊपर जाने के बाद गर्मी बहुत लग रहा है। तुम पहले यहाँ आ गया? हाँ, अभी देख सकते हैं अंदर की तरफ है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा, अभी क्या हो गया मॉडर्न जमाना आ गया, तो बहुत सारा डिस्प्ले देख रहे हैं, सारा डिजिटली हो गया, देख सकते हैं पीछे की तरफ स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन के थ्रू सारा डिटेल्स बता रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। पहले मतलब पहले के ज़माना जो कागज़ वगैरह हुआ करता था ना, उसी को वीडियो फॉर्म में करके वीडियो फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, ये समझने में भी काफ़ी अच्छा होगा सर। बाकी इस साइड देख सकते हैं एक अलग ही स्क्रीन लगा हुआ है प्रोजेक्टर के थ्रू, वीडियो चला के सारा दिखाया जा रहा है, उस ज़माने का जो फुटेज है वो सारा दिखाया जा रहा है। यहाँ से लेते हैं ना फोटो, यहाँ अच्छा आएगा। फाइनली अंदर बुरा हो गया, आप चलते हैं बाहर की तरफ, एग्जिट करते हैं।
है।